और ये सवेरे सवेरे हमने ओट्स बनाए हैं। ये देखिए, ओट्स वो जो बनाए हैं। सामने के पर्वत देख रहे हैं आप, उन्हीं पर्वतों के बीच में जो स्नो दिख रहा है आपको, उन्हीं पर्वतों में चांगलांगला पास है, और हम लोग वहाँ से कल पास हो चुके। है 15 जून 2022 और समय हो चुका है, सवेरे 7 बज चुके हैं, और जैसे ही नींद खुली तो ये सारे नज़ारे आंखों के सामने देख सकते हैं। कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। वो जो सामने के पर्वत देख रहे हैं आप, उन्हीं पर्वतों के बीच में जो स्नो दिख रहा है आपको, उन्हीं पर्वतों में चांगलांगला पास है, और हम लोग वहाँ से कल पास हो चुके, और रात में फिर हम लोगों ने यहाँ पर स्टे किया। ये एरिया आप देख सकते हैं। पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, और हम लोग अभी है खारू में, जो कि लेह से 35 किलोमीटर्स पहले है। कल रात में हमने पेंगोंग लेक देखा, पेंगोंग लेक देखा, और फिर आ गए। ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है अभी, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और आज हम लोग निकलेंगे मनाली के लिए, देखते हैं कैसा प्लान आउट करते हैं। गुड मॉर्निंग। अभी सवेरे के 8 बज चुके हैं, और मैं हूँ कारू में, लेह से 35 किलोमीटर दूर है। और ये सवेरे सवेरे हमने ओट्स बनाए हैं। ये देखिए, ओट्स बन चुके हैं, और ब्रेकफास्ट का समय है तो ओट्स खा रहे हैं हम लोग अभी। और थोड़ी देर के बाद फिर खाना भी बनाएंगे, देखते हैं क्या बनाने का। अभी ये जो सेक्टर आप देख रहे हैं, ये है खारू, जो कि लेह से 35 किलोमीटर पहले है पेंगोंग की तरफ से अगर आते हैं तो। और यहाँ से फिर लेह की तरफ जाने की जरूरत नहीं अगर मनाली जाए तो। अगर मनाली जाना है तो यहाँ से आपको एक बाईपास मिलेगा, तो वहाँ से फिर आपको मनाली जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग पेट्रोल देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं मनाली के लिए, और 2 दिन लगेंगे। पूछते हैं बाजू वाले से पेट्रोल पंप किधर है, तो पूछ रहे बेटा इधर पेट्रोल पंप किधर है, पेट्रोल पंप किधर है, पेट्रोल पंप हाँ आगे से आगे है। माला तशे टोपी तो, क्योंकि फिर यहाँ से मनाली तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, यानी टैंक भी फुल करना है, और फिर एक जो हमारे पीछे कैन है वो भी भरी हुई है 20 लीटर की, और कार की टैंक भी फुल करना है, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। कितना पेट्रोल लगेगा, क्या लगेगा, है तो 600 ही किलोमीटर, लेकिन चढ़ाव इतने हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पेट्रोल लग जाता है ना। तो ये खारू में हम लोग है अभी, फिलहाल पेट्रोल पंप आगे है ऐसा बोला जा रहा है, तो देखते हैं कहाँ है पेट्रोल पंप। चलो सामने में अभी पेट्रोल पंप दिख रहा है, यहाँ से लेह 33 है, और
आ चुका है पेट्रोल पंप, अभी यहाँ से फिल करेंगे पेट्रोल और फिर निकलेंगे सीधा मनाली के लिए। लेकिन बीच में कहीं तो भी हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन लगते हैं यहाँ से जाने के लिए। ये बोर्ड से पता चल रहा है कि ये जो गांव है यहाँ से मनाली है 437 किलोमीटर और बीच में 350 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं। मनाली यही रोड ये इधर क्या ये यहाँ से मनाली और सोमोरीरी भी जा सकते। सोमोरीरी भी एक लेक है, वो भी सुंदर है देखने लायक, लेकिन अभी नहीं जा रहे हम लोग उधर, मनाली निकलते हैं।